Today we study the remaining parts of type 4 exponential equations. Exponential equation means you have given the variable in the form of exponent. Exponent में आपको एक variable given है और आपने उस variable की value find करनी है by using laws of exponent. क्या use करेंगे? Laws of exponent use करेंगे और variable की value find out करेंगे. अब laws of exponent already आपने पढ़े हुए हैं. Laws of exponent आपके पास कौन कौन से लॉ होते हैं? When bases are same, powers will be added. When bases are same in quotient, powers will be subtracted. And power to the power is multiplied. तो ये आपके पास कुछ लॉज हैं जो यहाँ एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज होंगे. अब आपने प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन उसका किया था जिसमें पावर टू द पावर की फॉर्म में उसको चेंज किया था, क्योंकि आपके पास क्या था? आपके पास 3 power 2x था. 3 power 2x का मतलब है कि ये पावर में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं. तो पावर टू द पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो उसको हमने 3 power x होल पावर 2 की फॉर्म में लिखा. इसी तरह से अब आपके पास क्वेश्चन जो है उसमें क्या है? 3 into 3 power 2x plus 1 -10 into 3 power x plus 1 = 0. अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन a पावर x की फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे आपके पास a पावर x 3 पावर x दिया हुआ है. a पावर x मीन a इज एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0. तो अब यहाँ पे आपके पास a क्या है? 3 पावर x. अब यहाँ पे भी 3 की पावर में कुछ ना वैल्यूज हैं, लेकिन वो सिंपल x की फॉर्म में नहीं है. उसके साथ पास क्या है? 2x plus 1, 3 power 2x plus 1 है. तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे. अब आप सबसे पहले देखिए, तो आपके पास 3 की पावर में 2x plus 1 है, मींस आपके पास पावर्स एड हो रही हैं. और पावर्स एड कब होती हैं? आपको पता है a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n हो तो वो क्या बन जाता है? a पावर m plus n. अब पहले हमें सेम बेसिस दी होती थी, हम पावर्स को ऐड करते थे. अब हमें पावर्स ऐड करके दी हुई है, तो हम उन्हें सेम बेसिस में प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज कर देंगे. तो यही लॉ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. कौन सा लॉ है हमारे पास? a पावर m प्लस n. हमारे पास ये जो दिया हुआ है ये a पावर m प्लस n है, जिसमें a 3 है, m 2x है और n 1 है, जो किस में चेंज होगा? a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n. कि अगर आपके पास एक बेस पे दो पावर्स ऐड हो रही हैं, तो वो कैसे आई थी? वो बेसिस सेम के साथ जब प्रोडक्ट की फॉर्म में वैल्यूज होती हैं तो उनसे पावर्स ऐड होती हैं. a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n हो तो उससे a पावर m प्लस n बनता है. अब आपको पावर को सिंपलीफाई करना है, आपको सिंपल a पावर x की फॉर्म में वैल्यू को चेंज करना है, मींस आपको सिंपल x की पावर में छोड़ना है पावर को. तो आप उस पर पहले लॉ यूज करेंगे, अगर उसमें दो पावर्स ऐड हो रही हैं तो वो ऐड कब कैसे हुई थी? वो सेम बेसिस के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हमने उन्हें सेम बेसिस में चेंज कर दिया. ये वाली जो दो आपको नजर आ रही है, ये 3 तो वही है जो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ था, 3 power 2x मल्टीप्लाई बाय 3 power 1. आपने ये लॉ यूज किया, a पावर m प्लस n हो तो वो a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n होता है. तो 3 पावर 2x प्लस 1 था, 3 पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1, हमने उसे सेम बेसिस में ऐड कर लिया. अब इससे आगे ऑनवर्ड जो है वो उसी तरह लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी पावर में कोई दो वैल्यूज नहीं है जिस पे हम कोई लॉ अप्लाई करें, उस पे सिंगल एक पावर दी गई है. अब पावर कब अप्लाई होती है? जब पावर्स ऐड होती हैं, सबट्रैक्ट होती हैं या मल्टीप्लाई होती हैं. तो जैसे यहाँ पे पावर्स ऐड हो रही थी, तो हमने उस पर लॉ यूज किया कि पावर्स ऐड कब होती हैं? जब वो सेम बेसिस के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हमने उन्हें सेम बेसिस के साथ क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर दिया, कि 3 की पावर में 2x भी लिख दिया और 3 की पावर में 1 भी लिख दिया. अब 3 की पावर 2x तो ये लिखी हुई है, ये 3 है, मीन्स इसकी पावर कुछ नहीं है, और ये 3 पावर 1 है, तो 3 पावर 1 ये भी है. 3 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1 का मतलब क्या है? 3 स्क्वायर. 1 प्लस 1 2 होता है, और 3 स्क्वायर क्या बनता है आपके पास? 9. अब आपके पास क्या आ गया? 9 into 3 power 2x. अभी भी 3 की पावर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, उसमें दो वैल्यूज हैं, 2 भी और x भी, लेकिन अब 2 और x क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इसका मतलब है कि पावर्स पे अब आपने वो लॉ यूज करना है जहां पे वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं. a पावर m मल्टीप्लाई बाय n कहां से आता है? a पावर m होल पावर n. तो अब हम यहां से आगे, यहां से जो लॉ यूज करेंगे वो कौन सा है? हम a पावर m मल्टीप्लाई बाय n, हमारे पास दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम उसे किस में चेंज करेंगे? पावर टू द पावर में चेंज करेंगे. मींस हमने इसको क्या लिख दिया? 3 पावर x होल पावर 2.
ये जो 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये पावर की पावर थी, ये दो पावर्स थी। तो एक पावर हमने ब्रैकेट के अंदर लिख ली और एक पावर ब्रैकेट से बाहर लिख दी अकॉर्डिंग टू लॉ, बाय यूजिंग लॉ a पावर m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू a पावर m होल पावर n। तो हमारे पास क्या बना, 9 into 3 पावर x होल स्क्वायर माइनस 10 into 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम अपने क्वेश्चन में इक्वेशन में देखें तो हमारे पास ये भी 3 पावर x है, ये भी 3 पावर x है। अब सारी वैल्यूज a पावर x की फॉर्म में चेंज हो गई है, a के ऊपर जो वेरिएबल है उसके ऊपर सिंगल एक पावर आपके पास x की फॉर्म में आ गई है। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन होगी, लेट सपोज 3 पावर x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 पावर x है आपके पास, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आपके पास 2 पावर x था तो आपने 2 पावर x को सपोज किया था, आपके पास 5 पावर x हो तो आप 5 पावर x को सपोज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 3 पावर x है, 3 पावर x को हमने क्या सपोज कर लिया, 1। लेट सपोज 3 पावर x इज इक्वल टू 1, तो हमारी ये वाली गिवन इक्वेशन 1 जो है ये क्या बन जाएगी, 9 इंटू 3 पावर x स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर बन जाएगा, 3 पावर x हमने y के इक्वल ले ली, तो 9 इंटू y स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 पावर x था, 3 पावर x की जगह हमने क्या डाल दिया y, तो क्या बन गया 10 into y plus 1 is equals to 0। Now this is quadratic form and quadratic in standard form। अब आपके पास quadratic equation standard form में आ गई है, 9y square minus 10y plus 1 is equals to 0। अब आपके पास जब ये quadratic में reduce हो गई है, change हो गई है, तो अब आप इसको easily solve करके quadratic equation को solve करके variable y के दो answers find कर लेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ऑलरेडी आपको पता है 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर हम कौन सा यूज करें, फैक्टराइजेशन, 9 ones are 9। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो a और c को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 9। अब 9 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें, क्योंकि लास्ट टर्म के साथ प्लस है, तो मिड वाला नंबर 10 बन जाए। तो 9 के कौन से फैक्टर्स हैं, 9 ones are 9, और 9 और 1 को प्लस करें तो क्या बन जाता है, 10। तो मिड टर्म ब्रेकिंग से हमने बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज लिखी, सिर्फ हमने मिड टर्म नहीं लिखी 10, उसकी जगह हमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया 2 पार्ट्स में 9 प्लस 1। तो क्या बन गया हमारे पास, 9y स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय y 9y एंड 1 मल्टीप्लाई बाय y 1y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ There are 4 terms, make groups and then taking common. Groups बना के अब हम common लेंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, First group में common क्या है, 9y, 9y first group में common है, तो y minus 1 बचता है। Second group में कुछ भी common नहीं है, तो हमने common 1 लिया, लेकिन उसकी first term के साथ minus था, तो इसलिए हमने minus 1 common ले लिया। अब minus 1 common लेने का मतलब क्या है, अब आप second group में यहाँ पे देखें, तो इन दोनों terms में आप देखें, तो कुछ भी common नहीं है, y दोनों में यूज नहीं हो रहा और कोई टेबल भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो 1 के अलावा। तो अब आप 1 दोनों में से कॉमन लेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव 1 आप कॉमन लेंगे। नेगेटिव साइन कॉमन लेने का मतलब क्या है, अगले साइन को आपको ब्रैकेट के अंदर चेंज करना पड़ेगा, जो माइनस है y माइनस था तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और 1 प्लस था तो वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, 9y into y minus 1 minus 1 into y minus 1, दोनों फैक्टर सेम आ गए, इट मीन फैक्टराइजेशन इज ट्रू। सो y minus 1 into 9 minus 1 is equals to 0। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या यूज करेंगे, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, इधर द फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और द सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर इज y minus 1 व्हिच गिव्स y इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड फैक्टर इज 9y minus 1 इज इक्वल टू 0। अब y के साथ आपके पास दो नंबर आ गए और आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, y को सेपरेट करना है, तो पहले एक्स्ट्रा टर्म 1 जो है इसको शिफ्ट करेंगे, 9y माइनस 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 1। फिर y अगेन सेपरेट करने के लिए आपको 9 को डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 9 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 9 ऑन बोथ साइड, y इज इक्वल टू 1/9। अब आपके पास y के दो आंसर आ गए, 1 and 1/9, क्योंकि आपके पास y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन हाईएस्ट पावर 2 है, और आपके पास वेरिएबल y में थी क्वाड्रेटिक, तो आपके पास y के दो आंसर आए। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में तो x यूज हो रहा था, आपके पास तो x के आंसर आने चाहिए, तो यहाँ से आगे क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, तो आपने खुद सब्स्टिट्यूट किया था, किसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया था, 3 पावर x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया था। लेट सपोज 3 पावर x इज इक्वल्स टू y हमने रखा था अपने क्वेश्चन में, तो अब हम वापस 3 पावर x y की जगह पुट कर देंगे। y इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि y की जगह आप क्या डालेंगे, 3 पावर x। इसी तरह y इज इक्वल्स टू 1/9 का मतलब है कि y की जगह आप यहाँ पे क्या डालेंगे, 3 पावर x। तो आपके पास क्या बन गया, 3 पावर x इज इक्वल्स टू 1 एंड 3 पावर x इज इक्वल्स टू 1/9।
अब 9 जो है आपके पास, आपको पता है कि 3 का स्क्वायर होता है, 9 को जब आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो डिनोमिनेटर में, जबकि ये वाला 3 तो न्यूमिनेटर में, आपको 3 पावर एक्स से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/9 से को आपने क्या लिखा, 3 पावर -2, 3 पावर 2 जब वो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, तो जब वो न्यूमिनेटर में आएगा तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ा था तो उसमें आपने ये चीज़ यूज़ की थी कि आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट, कि आप नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना हो तो उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है। मीन्स अगर कोई भी वैल्यू आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर पे शिफ्ट करें या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करें, उसकी पावर का साइन हमेशा चेंज होता है। तो आपके पास ये वाला जो 2 है, 3 पावर 2, 3 की पावर 2 पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, जब आप उसे न्यूमिनेटर पे शिफ्ट कर देंगे तो वो पॉजिटिव से किस में चेंज हो जाएगी, नेगेटिव में। अब दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे, एक्सपोनेंट्स को आप जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू -2। इसी तरह इसको आप सॉल्व करें तो ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, 3 पावर x इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 के लिए हमेशा क्या लिखा जाएगा, 1 को 1 हमेशा एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। आपको जिस भी बेस को कैंसिल करना है, जिस भी बेस में वैल्यू को चेंज करना है, उस बेस की पावर में आप 0 डाल देंगे तो वो 1 बनता है। आपके पास 3 पावर x से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ 3 होगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने 1 को क्या लिखा, 3 पावर 0, 3 पावर 0 क्योंकि वापस अगर हम देखें तो क्या बनता है, 1 बनता है। तो अब 3 और 3 कैंसिल हो गए, इक्वेट किया हमने एक्सपोनेंट्स को, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0। सो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। आपकी जो गिवन इक्वेशन थी उसके पास में जो वेरिएबल x था उसकी आपके पास 2 वैल्यूज है वेरिएबल x की। अब क्या करना होता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में, a पावर x को y सपोज करना होता है। a कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5 अप टू 100। 1 नहीं होगा और 0 से ग्रेटर होगा, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। अब a पावर x को आपने y सपोज करना है, मींस a पावर x को, तो x के साथ कोई और नंबर हुआ तो पहले आपने उसको सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि a की पावर में अगर आपके पास m प्लस n हुआ, मींस दो वैल्यूज ऐड हो रही हुई, तो आपने उसको किस में चेंज करना है, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। तो वो क्या बन जाएगा, a पावर m मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन, कि आपके पास अगर 3 की पावर है तो आप 2, 3 की बेसिस में उसे चेंज कर देंगे, 4 की पावर है तो 4 की बेसिस में चेंज कर देंगे। इसी तरह से अगर आपके पास हुआ ए पावर एम माइनस एन, तो एम माइनस एन क्यों आता है, ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन, व्हेन बेसिस आर सेम इन क्वेश्चन देन पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड। ये लॉ आपने पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास पावर में वैल्यूज सबट्रैक्ट हो रही हुई, वेरिएबल एक्स सिंपल फॉर्म में ना हुआ, तो आपने सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में चेंज करना है। आपने क्या करना है, एडिशन को प्रोडक्ट में, सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में सेम बेसिस के साथ, और अगर दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हुई तो पावर टू द पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो उसे पावर टू द पावर में शिफ्ट कर देंगे। जैसे आपके पास ए पावर एम एन है, तो ये इसका मतलब क्या है कि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैसे आता है, ए पावर एम होल पावर एन से आता है। तो अगर आपके पास ये फॉर्म हुई तो आप उसको ए पावर एम होल पावर एन में चेंज कर देंगे। अब हम जब चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी 3 पावर 2x था, तो हमने क्या किया, 3 पावर x अंदर रखा और 2 को बाहर रखा। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे, 3 पावर 2 होल पावर x, हमने क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई किसी भी तरह से हो सकती है, x मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो सकता है और 2 मल्टीप्लाई बाय x भी हो सकता है, लेकिन हम ये वाली फॉर्म यूज करते हैं। हम ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने x को उसकी पावर में उसके साथ इसलिए रखते हैं कि हमने a पावर x की जो फॉर्म होती है उसे सपोज करना होता है, तो वेरिएबल x जो है वो उसके साथ लिखते हैं और दूसरा जो नंबर होता है उसको होल पावर में ले जाते हैं ताकि आप सब्स्टिट्यूशन इजीली कर सके। अब इसी पैटर्न पे आपको नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसी टाइप का, टाइप 4 का एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का, लेकिन उसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस है इन क्वेश्चन से। अब वहां पहले आपने सिर्फ प्रोडक्ट में देखा, आपने देखा कि आपके पास वैल्यू सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही थी पावर में एक्स के साथ। फिर अभी आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि आपके पास वैल्यूज मल्टीप्लाई होने के साथ साथ ऐड भी हो रही है, तो फिर आपने यहाँ मल्टीप्लाई की तो इसको पावर टू द पावर में चेंज किया था। अब यहाँ ऐड भी हो रही है तो क्या किया, 3 पावर 2x पहली टर्म को अलग किया और जो उसमें ऐड हो रही है उसको अलग कर दिया दोनों 3 के साथ। अब आपके पास इस क्वेश्चन में ऐड होने के साथ साथ सबट्रैक्ट भी हो रही है पावर, तो मींस अब आपके पास एक और लॉ जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी यूज होगा यहाँ पे, कि पावर्स सबट्रैक्ट कब होती हैं, जब सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो। तो अब ये
यहाँ पे आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें बेस 5 गिवन है, अब आपके पास a पावर x में आपके पास 5 पावर x की फॉर्म गिवन है, 5 पावर x, 5 गिवन है a की जगह, मींस आपको a पावर x का जो 5 पावर x है इसको आपने सपोज करना है। अब इसको सपोज करने के लिए आपके पास 5 पावर x होना चाहिए क्योंकि बेस 5 है। अब ये 5 पावर x की फॉर्म में है नहीं, आप इसे 5 पावर x की फॉर्म में चेंज करेंगे बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब आप 5 पावर x की फॉर्म में जब इसे चेंज करेंगे तो आप चेक करें आपके पास प्लस भी हो रही है पावर्स और माइनस भी हो रही है 5 की पावर में। तो हमने जब लॉ लिखा तो हमने एडिशन वाला भी लिखा और सब्ट्रैक्शन वाला भी लिखा कि अगर आपके पास पावर्स ऐड हो तो इसका मतलब है कि सेम बेसिस के साथ वो मल्टीप्लाई हो रही थी। व्हेन सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देन पावर्स विल बी एडेड एंड व्हेन सेम बेसिस आर डिवाइडेड देन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो आप अपने क्वेश्चन में देखें तो यहां पावर्स ऐड हो रही है, यहां पावर्स सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो आपने क्या करना है, जहां पावर्स ऐड हो रही है उनको सेम बेसिस के साथ मल्टीप्लाई करना है, मींस 5 पावर x और उसकी दूसरी पावर क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1। दोनों पावर्स ऐड हो रही थी तो वो सेम बेसिस थी। अब आप इसको इस में अगर देखें इससे ये वाला बनाए तो क्या बनता है, बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं तो वापस यही चीज बनती है या नहीं। तो 5 पावर x प्लस 1 था आपके पास, आपने उसे क्या लिखा 5 पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1। अब अगर आप 5 पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1 को वापस देखना चाहें तो 5 पावर x प्लस 1 ही बनता है। इसका मतलब है आपने जो लॉ यूज किया वो ठीक है। अब इसी तरह से इस वैल्यू पे भी आप लॉ यूज करेंगे, इस वैल्यू पे जब आप लॉ यूज करेंगे तो आपके पास 2 माइनस x है, आपके पास पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है और पावर सब्ट्रैक्ट कब होती है, सेम बेसिस जब डिवाइड हो रही हो, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड होती है। व्हेन बेसिस आर सेम इन प्रोडक्ट देन पावर्स विल बी एडेड एंड व्हेन बेसिस आर सेम इन कोशेंट देन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब है यहाँ सेम बेसिस डिवाइड हो रही थी, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 माइनस x है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास पे 5 पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 पावर x, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 5 पावर 2 5 पावर माइनस x। अब माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए अगेन हम उसे कहाँ पे लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो हम ये वाला लॉ यूज करते हुए हमने इस टर्म को क्या किया, इस टर्म को हमने लिखा ये जो हमारे पास ये वाला लॉ हमने यूज किया इस टर्म के साथ, इस टर्म पे हमने ये लॉ यूज किया तो हमारे पास क्या बना 5 पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 पावर x के हमारे पास दो सेम बेसिस क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, इसके साथ दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही थी तो ऐड हो रही थी तो हमने उन्हें प्रोडक्ट में चेंज किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उन्हें क्वेश्चन में, क्योंकि प्रोडक्ट और एडिशन में, एडिशन प्रोडक्ट में चेंज होता है, प्रोडक्ट एडिशन में, जबकि डिवीजन सब्ट्रैक्शन में और सब्ट्रैक्शन डिवीजन में चेंज होता है। लॉस में ये आपको पता है a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n एंड a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n, ये लॉस है आपके पास। तो यहाँ पे इसी तरह से आपने उन लॉस को यूज किया, जहाँ ऐड हो रही थी पावर्स उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज कर दिया और जहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही थी पावर्स उनको डिवीजन की फॉर्म में चेंज कर दिया बाय यूजिंग दीज टू लॉस। अब जब आपने चेंज किया तो अब यहाँ पे आपको 5 पावर x नजर आ रहा है, यहाँ भी 5 पावर x है, तो अब आप अपनी सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। लेट सपोज 5 पावर x इज इक्वल्स टू y, 5 पावर x को अगर हम y सपोज करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और डिवाइडेड बाय 5 पावर x है, 5 पावर x को हमने क्या लिखना है y लिखना है इज इक्वल्स टू 126। अब आप अपना ये क्वेश्चन देखें तो आपने सेकंड जो टाइप पढ़ी थी उस टाइप के अकॉर्डिंग आपने आगे इसको सॉल्व कर लेना है, आपके पास वही वेरिएबल न्यूमिनेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय वाई, डिनोमिनेटर में सिर्फ वाई है और कोई चीज़ नहीं है तो डिनोमिनेटर में जो वाई है उसे हम थ्रू आउट क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, सिंपल फॉर्म बन जाएगी जिसे सॉल्व करना हमारे लिए ईजी होगा। तो क्या किया नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय वाई, थ्रू आउट हमने वाई से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 5y मल्टीप्लाई बाय वाई 25 बाय y मल्टीप्लाई बाय y 126 मल्टीप्लाई बाय y, सबको हमने क्या कर दिया y से मल्टीप्लाई कर दिया 5y मल्टीप्लाई बाय y 5y स्क्वायर। अब यहाँ से y और y न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में हमेशा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम कैंसिल होती है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो y और y कैंसिल होकर सिर्फ क्या रह गया 25 एंड 126 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 126y। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y, but it is not in standard form, so first we convert it in standard form and then solve to find the value of variable y. So, पहले हम इसको standard form में change करेंगे, 126
इक्वालिटी की राइट साइड पे, उसे लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो उसका साइन चेंज हो गया प्लस से माइनस। अब सारी टर्म्स एक तरफ तो शिफ्ट हो गई लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो रीअरेंज कर लेंगे। 5y² - 126y + 25 के साथ था और 126y माइनस के साथ था। हमने सिर्फ अरेंज किया टर्म्स को, उनके साइंस को आगे पीछे नहीं करना है, जिस टर्म का जो साइन है उसके साथ ही लगाना है उसको। अब जब हमने उसको लिखा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, 5y² - 126y + 25 = 0। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। देन नाउ वी सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं। हमारे पास वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, y का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास c है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, x is equals, a is equals to 5, b is equals to -26 and c is equals to 25। a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करें तो 25 5s are 125 होता है। 125 a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मिड टर्म ब्रेकिंग का रूल पता है, फिफ्थ चैप्टर में ग्रेड नाइन्थ में आपने पढ़ा हुआ और बार बार इस चैप्टर में भी यूज हो गया है। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a और c मींस जो a y स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, उससे जो आंसर आएगा उसके आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब लास्ट टर्म के साथ प्लस हुआ तो वो फैक्टर्स जिनको प्लस करने से मिड वाला नंबर बने, तो हमारे पास लास्ट टर्म के साथ प्लस है, 125 के फैक्टर्स इन्हें प्लस करें तो 126 बन जाए। तो कौन से फैक्टर्स हैं, 125 1s are 125 and 125 + 1 = 126। तो हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। अगर फैक्टर्स ना बनते तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते, क्योंकि ए बी सी की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते। लेकिन फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स हमें ईजिली समझ में आ गए बन गए हमसे, तो हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेना है। 125 के फैक्टर्स इन्हें प्लस करें तो 126 बने, तो कौन से 125 1s are 125। तो हमने क्या किया, मिड टर्म को ब्रेक कर दिया, 126y जो लिखा हुआ था उसमें 126 जो मिड टर्म थी उसको टू पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 125 + 1। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 4। नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं तो हम टू टू टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बना के कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टू टर्म का जो ग्रुप है उसमें कॉमन क्या है, 5y, क्योंकि 5 के टेबल में 125 आता है तो 5 भी कॉमन है और y भी दोनों टर्म्स में यूज हो रहा है तो y भी कॉमन है। तो 5y कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म में सिर्फ y रह गया, सेकंड टर्म में 5 का टेबल कहाँ तक पड़ेंगे, 25 तक पड़े तो 125 आता है, y एक ही था जो कॉमन ले लिया। इसी तरह सेकंड ग्रुप में देखें तो फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, सबसे पहले तो हमने नेगेटिव कॉमन लिया। अब y दोनों टर्म्स में मौजूद नहीं है, कोई टेबल भी कॉमन नहीं है, तो हमने सिर्फ क्या कॉमन ले लिया, 1। अब माइनस कॉमन लेने का मतलब है साइन चेंज कर देने, माइनस वाई का साइन चेंज होकर प्लस बन जाएगा और प्लस 25 चेंज होकर माइनस, तो दोनों ग्रुप के नॉन कॉमन फैक्टर सेम आ गए। इट मींस वाई माइनस 25 इंटू 5y - 1 = 0। नाउ वी यूज जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब हम जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इधर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू जीरो और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू जीरो। अब फर्स्ट फैक्टर क्या है, y माइनस 25, माइनस 25 शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू प्लस 25। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले हम 5y - 1 है, पहले 1 को शिफ्ट करेंगे, 1 माइनस के साथ था तो राइट साइड पे गया तो क्या हो गया, प्लस 1। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड, सो व्हाट इज द सेकंड वैल्यू ऑफ y, 1/5। दीज टू आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल y। अब y की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई है, 25 एंड 1/5। y की वैल्यूज तो हमारे पास आ गई है बट हमें तो y की वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। y को हमने किसके इक्वल सपोज किया था, 5 power x = y हमने रखा था पीछे स्टार्ट में। अब 5 power x = y है तो y = 25 का मतलब क्या है, 5 power x = 25, क्योंकि y तो 5 power x के इक्वल है, तो हम y की जगह क्या डाल देंगे वापस, 5 power x। अब 25 को हमने 5 की बेस में चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइड बेस 5 है, x हमें फाइंड करना है एक्सपोनेंट से, तो हमें बेस को कैंसिल करना होगा और बेस को कैंसिल करने के लिए वही सेम बेस आपको दूसरी साइड बनानी पड़ेगी। तो 25 को आपने 5 की बेस में चेंज करना, मींस 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो 25 बन जाएगा, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 दोनों सेम बेसिस आ गए, वो कैंसिल हो जाएंगे। एक्सपोनेंट्स को हम इक्वेट करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 2। एक तरफ वेरिएबल पावर में x है और दूसरी तरफ पावर में 2 है, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे,
ये आपने प्रीवियस उसमें पढ़ा भी था, अब इस प्रीवियस लेक्चर में, कि बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट सेम होते हैं, एक्सपोनेंट सेम हो तो बेसिस को इक्वेट कर लिया जाता है। तो ये आपके पास x की फर्स्ट वैल्यू आ गई 2। अब नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड वैल्यू थी y की 1/5, उससे भी आपने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि आपको y की कोई वैल्यू नहीं चाहिए, ना ये वाली चाहिए ना ये वाली चाहिए, आप दोनों की बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो आप जब इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास 5 पावर x = y था, हम यहाँ पे y की जगह वापस 5 पावर x डाल देंगे। अब 5 पावर x = 1/5 जो y की वैल्यू है, अब 5 यहाँ न्यूमिनेटर में, हमें न्यूमिनेटर में 5 चाहिए, ये डिनोमिनेटर में 5 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो 5 की पावर क्या है, 1 है। अब कहीं पे कोई नंबर मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, पावर में ना हो, तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एडिशन में कोई नंबर आपको चाहिए हो तो वो 0 होता है। अब 5 की पावर 1 है, इसको न्यूमिनेटर पे लेके जाएंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, -1। बेसिस सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेट करेंगे एक्सपोनेंट को तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। सो व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x, 2 एंड -1, व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में हमें वेरिएबल y गिवन था, हमने x गिवन था, हमने y में खुद उसको सब्स्टिट्यूशन करके क्वाड्रेटिक बनाया था, तो क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास y के आंसर आए। लेकिन y के आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें x के आंसर चाहिए, तो वापस हमने बैक सब्स्टिट्यूशन की और y की जगह वो वैल्यू वापस पुट कर दी जो हमने सपोज की थी। तो वापस पुट करने से हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल x के आंसर आ गए, जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट होते हैं। इसी से रेलिवेंट आपको एग्जांपल भी गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 11 आपकी बुक में मेंशन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन गिवन है, आपने उसको सॉल्व करना है, और इक्वेशन आपको, आप चेक करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको जो इक्वेशन गिवन है, अब अभी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम उसी पैटर्न की ये एग्जाम्पल भी है। आपके पास दिया हुआ है 2 पावर 2 + x, और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, 2 पावर 2 - x। दो टर्म्स आपको गिवन है, 2 पावर 2 + x एंड 2 पावर 2 - x। यहाँ पे ऐड हो रही है आपके पास पावर्स, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है। अगर पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उसे पावर की पावर में चेंज करते हैं, क्योंकि पावर टू द पावर इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड। अब यहाँ पे ऐड हो रही है पावर, तो आप क्या करेंगे, सेम बेसिस में चेंज करेंगे। व्हेन बेसिस आर सेम इन प्रोडक्ट, तो अब आप यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 2 पावर 2 × 2 पावर x। की ये एक 2 पे जो ऐड हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये भी पावर 2 पे थी और ये भी पावर 2 पे थी, इसलिए ये दोनों ऐड हो गई हैं, और थी कौन सी फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। इसी तरह से आपके पास दूसरी जो डिवाइड सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब है वो डिवीजन की फॉर्म में आएगी। तो आपके पास 2 पावर x = y एंड 2 पावर - x = 1/y। अब 2 पावर - x लिखा हो या 1/2 पावर x लिखा हो, सेम आपके पास बात है कि आप उसको 2 पावर - x लिखें या 1/2 पावर x लिखें। 2 पावर - x का मतलब क्या है, न्यूमिनेटर में पावर नेगेटिव है, जब आप उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपने उसको सपोज किया, उससे आपने पुट किया इक्वेशन में, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। अब आप इस इक्वेशन में देखें तो आपके पास 4, 10, 4, 2 का टेबल कॉमन है सब में, तो आपको ये पता है फैक्टराइजेशन का ये रूल है कि अगर थ्रू आउट सब में कुछ कॉमन हो तो कॉमन लेने के बाद आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और अगर आप कॉमन नहीं लेते तो भी इस केस में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता, बट आप इजीली आगे प्रोसीड करने के लिए अगर उसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं एंड पे कॉमन लेने के बजाय स्टार्ट में ही। जैसे यहाँ पे 2 का टेबल सब में कॉमन था तो कॉमन ले लिया, और जब 2 को दोनों तरफ डिवाइड किया तो 0 / anything क्या बन गया, 0। अब ये आपके पास साइड पे एक नोट लिखा हुआ है, 1:1 property। 1:1 property का मतलब क्या है कि वेन बेसिस आर सेम, अगर बेसिस सेम है जैसे बी और बी है, तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं। बेसिस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट इक्वल। इफ बी पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एम देन एन इज इक्वल टू एम। ये जो बार बार अभी हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये आपके पास 1:1 property है, जो ये आपके पास यहाँ पे मैंशन भी है कि आप अगर बेसिस सेम होंगी तो आप एक्सपोनेंट को इक्वेट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज 1:1 property। अब क्या होता है आपके पास, a पावर n इज इक्वल टू a पावर m। कोई भी वेरिएबल यूज हो सकते हैं, जैसे यहाँ b यूज हुआ है तो a भी यूज हो सकता है। अब ये बेसिस सेम है तो इसका मतलब है आप एक्सपोनेंट को इक्वेट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड 1:1 property ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की 1:1 property है। व्हेन बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, एक्सपोनेंट्स भी उसके इक्वल होते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल
फैक्टराइजेशन से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अब आप यहाँ भी एग्जांपल में स्टेप्स कंप्लीट नहीं है, डायरेक्ट स्टेप लिखा है, लेकिन जब आप नोटबुक पे रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करेंगे तो कंप्लीट स्टेप्स के साथ कि कैसे आप फैक्टराइजेशन में इसके फैक्टर्स बनाएंगे, देन बाय यूजिंग जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आप उसको जीरो के इक्वल लेकर उसकी वेरिएबल वाई की दो वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब वाई की एक वैल्यू आएगी आपके पास 1/2 और दूसरी वैल्यू आई 2। अब 1/2 का मतलब है कि 1/2 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है। अब आपके पास y तो आपने 2 पावर x सपोज किया हुआ था, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 1/2 पावर 1 का मतलब है 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर -1। ये डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो +1 किस में चेंज हो जाएगा, -1 में, तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ गई -1। इसी तरह से जब आप इसके सेकेंड केस को सॉल्व करेंगे जो आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू 2, y का मतलब 2 पावर x है, 2 पावर x इज इक्वल टू 2, पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो सेकेंड वैल्यू क्या है 1। तो ये आपके पास रेलिवेंट एग्जाम्पल है जो आज आपने क्वेश्चन किए हैं। क्या है आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मीन यू हैव गिवन बेस एंड एक्सपोनेंट, वेरिएबल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट से आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्सपोनेंट से उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए a पावर x उसकी आपको मेंशन है। a पावर x की फॉर्म को जो आप होगी क्वेश्चन में उसको y सपोज करेंगे। अब a पावर x अगर पावर में x के साथ कोई और नंबर हुआ तो उस पे पहले आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके उसको सिंप्लीफाई करना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं, a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n एंड देन a पावर m होल पावर n। ये तीन लॉज हैं जो आपने यूज किए हैं कि अगर पावर ऐड हो रही होंगी तो आप उन्हें प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, डीप सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो आप उन्हें डिवीजन में चेंज करेंगे, और मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो पावर की पावर में चेंज करेंगे क्योंकि पावर टू द पावर इज मल्टीप्लाई, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। ये तीनों लॉज आप यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पावर्स ऐड हो रही है, एक्स के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले आप उसे सिंपल ए पावर एक्स की फॉर्म में चेंज करेंगी और ए पावर एक्स को आप क्या सपोज कर लेंगे वाई, ए पावर एक्स को आप वाई सपोज करेंगे। ए कोई भी नंबर हो सकता है 2, 3, 4, 5 अप टू सो पॉजिटिव नंबर होगा, तो आप जब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ पे जो भी पावर होगी 2 पावर x है तो आपके पास दूसरी तरफ y का जो आंसर आएगा उसको 2 की फॉर्म बेस में चेंज करेंगे, 3 पावर x है तो दूसरी तरफ जो आंसर है उसे 3 की फॉर्म बेस में चेंज करेंगे। अगर 1 होगा यहाँ पे, अगर 9 है तो 3 स्क्वेयर हो जाएगा, अगर आपके पास 27 है तो 3 क्यूब हो जाएगा, लेकिन अगर 1 है तो 1 का मतलब क्या है कि आप 3 पावर 0 लिख देंगे उसको, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। 2 पावर x 1 के इक्वल है तो 2 पावर 0, 3 पावर x 1 के इक्वल है तो 3 पावर 0, 4 पावर x 1 के इक्वल हुआ तो 4 पावर 0। अब इसी से तरह से आपने एग्जांपल 11 की प्रॉपर स्टेप वाइज नीट रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दोनों को नीट नोटबुक पे अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यूज को हाईलाइट करना है एग्जांपल में से भी और डेफिनेशंस में से भी।